हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन जो था, ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं था, लेकिन आज का दिन जो था बहुत ही आरामदायक था। तो सुबह से ज़्यादा कुछ वर्क किया नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा लेजीनेस आ रखी है। तो यही कुछ है, अभी घर पे ही हूँ और घर पे जो है कुछ करने को नहीं है। अभी सब लोग इधर उधर अपने काम पे चले गए, घास काटना हो गया, मम्मी लोगों का घास बांध रहे हैं एंड पापा दुकान को चले गए। तो उसके बाद मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं आपको आज दिखाता हूँ जो यहाँ पे हम बोलते हैं हजारी के फूल जो है, मतलब मेरे घर पे जो है बहुत सारे फूल लगा रखे हैं हम लोगों ने। पहले भी लगाते थे, पहले क्यारी लगा के करते थे, लेकिन अब जो है वो क्यारी बहुत ही बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे जो है फूल जो है पूरे आंगन पे, पूरे किनारे पे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको फूल। हजारी के फूल को गेंदे का फूल भी कहा जाता है, तो और भी कुछ है। तो उन फूलों के जो अलग अलग वैरायटी हैं, वो सारी वैरायटी हमारे पास हैं, बड़े गुफे हुए और छोटे वाले जो छोटे छोटे होते हैं वो भी हैं। तो आपको दिखाते हैं वो सब फूल। ये जो आप देख रहे हैं ये डार्क रेड में है और काफ़ी सुंदर भी है, इसकी जो खूबसूरती है लाजवाब है। और इसकी जो दूसरी वैरायटी है वो है गेंदा। पहाड़ में सब ये हजारी होते हैं, ये इसके अलग अलग प्रजातियां हैं और ये काफ़ी सुंदर होते हैं। आपको और भी ये हल्का सा पर्पल कलर, काफ़ी सुंदर। और ये है लाइट ब्राउन, काफ़ी सुंदर फूल है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये है येलो एंड रेड। इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है ये है ऑल कलर इन येलो। ये जो हजारी के फूल हैं इनकी चार या पांच जो प्रजातियां हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास जो है और भी वैरायटीज हैं, की जो दूसरी प्रजाति है वो है रेड येलो एंड ब्राउन येलो, काफ़ी सुंदर फूल है। और ये जो है रेड में है, रेड ऑल कलर इन रेड। एंड ये फ्लावर जो है ये फुल येलो कलर एंड काफ़ी सुंदर और बड़ा भी होता है ये। इसके जो है कलर चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हजारी के फूल जो है पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं और इनका जो है उपयोग व्यापार में भी किया जाता है, लेकिन जो है ग्रामीण लोग इनको जो है मंदिरों में होने वाली, घरों में होने वाली पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो आने वाली है दीपावली और जो दशहरा उत्सव है,
तो उन सभी के लिए नवरात्रों में है तो मंदिर की सजावट के लिए और घरों में जो है घरों की सजावट के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि जो है दशहरा दीपावली में जो है इन फूलों से घरों को किस तरह और मंदिरों को किस तरह सजाया जाता है। ये फूल जो है 2 या 3 मंथ, अभी 2 मंथ लगभग ये रहेंगे और उसके बाद जो है ये गिरना स्टार्ट, जैसे ही ठंड होती है तो ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं। तो इनका जो है इतना ही जीवन काल है और इनका उपयोग जो है हमारे हम जो है इसीलिए करते हैं, पूजा पाठ मालाएं को तैयार करने में, मंदिरों को सजावट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये फूल देख रहे हैं ये जो है पूरे 12 मास यानी कि साल भर, और जब कोई भी फूल जो है नहीं खिलता तो उस समय ये फूल खिलते हैं और ये काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता, कितने सुंदर है ये फूल।